to all the lovely people. Can I request friends from the media to smile? क्योंकि उसके बाद तो आपकी smiles मुझे दिखेंगे नहीं. So thank you so much for being here. आज बहुत ही special day है and extremely special. आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है in the world of beauty. But इससे पहले कि मैं आपको हमारे theme के बारे में बताऊँ, मैं वेट कर रही हूँ ऑन द हॉट सीट द वन एंड ओनली विजय कलोसे के आने का, जो आएंगे एक मिनट में. उससे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगी जो हमारे साथ बैठे हैं, टूवर्ड्स माय एक्सट्रीम लेफ्ट इज गौरंग सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है. एंड वी हैव द ओनर्स ऑफ दिस लवली प्लेस जो फिटनेस फैक्ट्री है, जतेंद्र सिंह मोंगा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है. ऑफकोर्स ये तो हमारे बॉलीवुड के जाने माने सबसे बड़े स्टार है, सुपरस्टार जो सबकी जिंदगियां ब्राइट करते हैं, दी वन एंड ओनली ब्राइट आउटडोर मीडिया मिस्टर योगेश लखानी. एंड ऑफ कोर्स वी हैव विद अस मिस्टर दीपक पाठक, द को-फाउंडर ऑफ फिटनेस फैक्ट्री, जहां आपको सिखाते हैं बी फिट इज ऑलवेज अहेड. थैंक यू सो मच. और मेरे साथ है द वेरी ब्यूटिफुल निशा हराले, जो कोरियोग्राफर है इस ब्यूटी पेजेंट की, जो होगा नवी मुंबई एंड वाशी में, सो अदर सिटीज अक्रॉस इंडिया टू. और जो हमारे मेन मुंबई सिटी है, वेल जेंटलमैन, मुझे बेहद खुशी हो रही है टू इंट्रोड्यूस द वन एंड ओनली, क्योंकि इट्स माय ऑनर एंड माय प्रिविलेज, जो हमारे लेजेंड है इन द वर्ल्ड ऑफ फैशन ब्यूटी एंड ग्लैमर, द वन एंड ओनली प्लीज लेट्स वेलकम मिस्टर शाकिर शेख, जो हमारे पायोनियर हैं इन द वर्ल्ड ऑफ फैशन. इनकी एज से दिखता नहीं है, लेकिन आई हैव सीन हिम कंप्लीटली ग्रो बाय बाउंड्स एवरी डेकेड. And the one and only Mr. Vasant Bhandari, jo UB group ke hain, always go on a high only with Mr. Vasant Bhandari. And hamare saath hai the reigning queen, and your name is Mayanka Sharma Patel. Aap sab logon ka swagat hai. And now it's time for me to welcome on the hot seat jo gentlemen jinhone socha ki hum beauty pageant ek alag tarike se karenge, Mr. Vijay Kalose. Isse pehle ki main ब्यूटी पेजेंट के बारे में कहना चाहूं, मैं विजय कलोसे के बारे में कहना चाहूंगी, उनका पेजेंट है आज. थैंक यू वेरी मच विजय, एंड थैंक यू टू ऑल आवर एस्टीम डिग्निटरीज फॉर बीइंग हियर विद अस. मेरा नाम है सिमरन आहूजा और मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ एंड थैंकफुल टू मिस्टर विजय कलोसे फॉर हैविंग मी एज द ऑफिशियल एंकर. आई थिंक इन द पास्ट 5 इयर्स मैं इनके शो करते आ रही हूँ और इनके शो में ये हमेशा सोचते हैं. एंड ब्यूटी पेजेंट विनर मिस मीडिया को वेलकम करता हूँ कि मैं एक मीडिया का ही पार्ट हूँ. आज आप उधर बैठे हो, मैं इधर बैठा हूँ, हमेशा तो उधर ही बैठता हूँ, तो फाइन आई एम हियर टुडे. ये एक्चुअली मेरा ये जो ब्यूटी पेजेंट है एक बहुत अलग है दूसरों से, पर अलग इसलिए कि मैं पहला बोला कि इस शो में फर्स्ट थिंग इज जो मेरा USP ऑफ द इवेंट इज थिंग विच आई एम कैरिंग विद थिंग. और ये शो का नाम है शो स्टॉपर. आई एम डूइंग अ मूवी, उसका मूवी का नाम ही शो स्टॉपर है, बट आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग द मूवी नाउ. बट ये शो स्टॉपर का हंट में जैसे 7 रोल्स है इस मूवी में, तो मैं 7 रोल के लिए पूरा ऑल ओवर महाराष्ट्र में हंट कर रहा हूँ. और इस देर आर एक्चुअली 10 शोज इन 10 सिटीज ऑफ महाराष्ट्र. तो यूजुअली क्या होता है कि बाकी लोग जो करते हैं ऑडिशन जाके करते हैं हर सिटी में, और ऑडिशन लेके मुंबई में उनका ग्रैंड फिनाले करते हैं. बट वॉट आई एम डूइंग हियर इज आई एम गोइंग इन एवरी सिटी, हर सिटी में जा रहा हूँ. जैसे 10 सिटीज़ है, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कोल्हापुर, औरंगाबाद, नागपुर, सोलापुर, नासिक, ऑल दिस ऐसे 10 सिटीज़ है. हर सिटी में मैं जा रहा हूँ और ऑडिशन ले रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ. फिर सिलेक्ट होने के बाद उनको पूरा ग्रूम टॉप टू बॉटम ग्रूम करके उनको इस शो के लिए रेडी करता हूँ. वहाँ पर प्रॉपर रीजनल फिनाले होगा, उस फिनाले से जो 3 मिस विनर और 3 मिसेज विनर को क्राउनिंग एंड ऑल किया जाएगा, उस क्राउनिंग और उस विनर को हम बाकी विनर के साथ मुंबई में ग्रैंड फिनाले में हम उसको बुलाएंगे और वहाँ पर भी उनका ग्रैंड फिनाले होगा. उस ग्रैंड फिनाले से जो भी विन होगा उसमें से हम 7 प्रोमिनेंट रोल हम इस मूवी में उसमें ले रहे हैं, जैसे आपने दूसरे फैशन के ऊपर देखा था. एंड इट्स बेसिकली फैशन रिलेटेड मूवी है, तो इसलिए एवरीथिंग इज ग्लैमर एंड ऑल, यू सी दैट. एंड यस टू अच्छा लगता है बोलने के, आई हैव अ राइट एंड लेफ्ट जो मेरी टीम है, ये बहुत बड़ी स्ट्रांग टीम है मेरे साथ. एंड सभी कंटेस्टेंट को आई एल एश्योर यू दैट
जो भी कंटेस्टेंट इसमें पार्ट लेगा दिल बी ग्रूम्ड लाइक एनीथिंग, मतलब उनको खाली ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए ग्रूम नहीं है बट फॉर द फ्यूचर. तो हर चीज़ में जैसे राइटर में शाकिर इज वन ऑफ द लेजेंड, जैसे सिमरन ने बताया कि यस आप इनके पास एक बार कर लो तो बाकी आगे चलने या मतलब आपको फैशन इंडस्ट्री में कोई टच भी नहीं है. सेम वी आर विद निशा राले, बहुत बड़े एक्सपीरियंस से है. शी हरसेल्फ इज अ विनर मिस मुंबई, फर्स्ट मिस मुंबई, जो एक उस जमाने में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ करता था. अभी आई डोंट नो लाइक थिंग बट यस शी इज़ द फर्स्ट मिस मुंबई एंड शी हरसेल्फ इज अ वर्सेटाइल सिंगर डीजे एंड बहुत से इसमें. तो वो सभी खूबी आपको ये इनके बाद जो खूबी है इनके बाद जो वो पूरे कंटेस्टेंट में खूबी मिलेगी आपको. इसलिए आई एम हैप्पी और मेरे पास तो ये सपोर्ट है ही है. दो दिग्गज जो बैठे हैं आउटडोर वाले और प्लस फिटनेस सपोर्ट भी है मेरे को फिटनेस के लिए, तो यहाँ पर भी आपको हर तरह का सपोर्ट मिलेगा. गौरव सर जो है वो उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि विनर्स को दुबई मनाली और दुबई दुबई थाईलैंड और मनाली ये विनर्स को तीनों मिस और मिसेस को तीनों को ये टूर दे रहे हैं. एंड प्लस अच्छा टू टॉक अबाउट मिसेस कविता इज जस्ट हाल ही में 30 डेज पहले ही शी बिकेम मिसेस इंडिया एंड ऑल द वे शी केम फ्रॉम यूरोप कटिंग ऑफ 2 डेज एंड यर शी प्रेजेंट टू सपोर्ट माई इवेंट. एंड यहाँ पर भी मिसेस इंडिया प्रिया है, फिर ऑफकोर्स ऑफिशियल कोरियोग्राफर एंड मिस इंडिया सिमरन इज देयर, एंकर ऑल्सो. फिर पीछे नंदू है, नंदू दुरेंद्र इज ऑफिशियल फोटोग्राफर फॉर विल बी डूइंग पोर्टफोलियोज एंड ऑल. देन वी हैव रशीदा इज देयर हु विल बी ग्रूमिंग ऑल द कंटेस्टेंट्स एंड ऑल. फिर शर्मिला इज हियर, शी इज अ डर्मेटोलॉजिस्ट ऑफिशियली, शी विल बी सपोर्टिंग टेकिंग केयर ऑफ ऑल द कंटेस्टेंट्स. एंड मयंका मिसेस इंडिया, शी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सपोर्टिंग एंड ऑल. एंड कोमल किरण ऑल आर लाइक मिस इंडिया एंड ऑफकोर्स किंग ऑफ गुड टाइम मिस्टर भंडारी इज है हु इज ऑलवेज बीन सपोर्टिंग टू अस. So I think Shakir will say a few words in then we can take it and all this. Everyone, first and foremost, thank you. आप लोग सब यहाँ आए और विजय के साथ मेरा एसोसिएशन काफ़ी सालों से रहा है and I'm glad that he is taking this step. जो remote part of Maharashtra है उसमें जाकर talent को search करना, क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं कि talent अब सिर्फ metro cities और major cities में नहीं रहा है. हर एक अपने घर की खिड़की जो television है उसके ज़रिए वही देखता है जो बॉम्बे के लोग देखते हैं. तो हर एक का नॉलेज और हर एक की रीच वही होती है और हर एक के ख्वाब भी वही है. तो उस ख्वाब को पूरा करने के लिए जो सैफ्रॉन मीडिया कर रहा है और हम लोग जो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो आई विश कि कुछ छोटे शहरों से ऐसे लोग आए जो ये बड़े ख्वाबों को लेकर सक्सेस हुए. एंड आई एम विद द टीम एंड विशिंग विजय ऑल द बेस्ट. थैंक यू. सो हाय एवरीवन, सो गुड टू सी यू. I mean, rain or no rain, we are all here. And the fact is that we are all here for Vijay. He's an old friend and you can see his support. He's got an amazing support and I think it's going to be an amazing event as well. It's all the hard work and the support that counts in, and each one of you have come together to make this happen. And it's your vision, Vijay. So you've always had beautiful visions and we are all here to support you and we make sure that this is going to be the talk of the town. And may the best one win. Thank you. सर फिटनेस पार्टनर है और टेल मी अबाउट. विजय जी को मेरी तरफ से बहुत हार्दिक बधाई हो, क्योंकि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं और अच्छी सोच लेके बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है. और हमारा फुल हार्टेड सपोर्ट आपके साथ रहेगा हर जगह. थैंक यू. अबाउट इनके बारे में बोलूँ तो इनको हाल ही में डॉक्टरेट डिग्री मिली है, तो मिस्टर योगेश से अभी वो डॉक्टर योगेश लखानी हो गए. बिग हैंड योगेश भाई. Congratulations to the entire team of Saffron Shostakahan, and it is the platform I feel that
gives the platform to all the beautiful women, and even the beauty that comes from the heart. It is the beauty that is inside and out. So congratulations and all the best wishes to the entire team. First of all, congratulations to Vijay ji to start up this this type of event. And मैं इतने बोलना चाहूँगा कि दैट फ्रॉम द रिमोट एरिया जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं जरूर जुड़े. दिस इज़ वन ऑफ द वंडरफुल प्लेटफॉर्म वी हैव सीन एंड वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव बिकम अ फिटनेस पार्टनर ऑफ दिस. एंड कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू. हेलो एवरीवन, कांग्रेस टू विजय जी. वेरी नाइस थॉट ही हैव and I support him regularly. He has many things in his mind, and these beauties are no way worth to say something. Every beauties are here only. So from these are the from Mumbai, right? Everyone, right? So he is going from remote area also, so that will be better. The new beauties will come and I will support them also. Thank you. Asad sir, I said for this wonderful platform, I'm supported by Fitness Factory, and I think I'm the one who started this Miss Mumbai, Miss India, India Queen, these last more than 25 years. Yay! And I think nowadays there is a saying that there is no end of beauty and there is no end of earth. Yeah. So I think it's good that misses are taking the part in this contest, and I wish all the best, and they should show that India is not the beauteous country. I think India is the better than any other country, and I wish all the best to them. आणि माझा ॲप पण आहे, त्या ॲपच्या थ्रू ॲप आणि पोर्टफोलिओ दोन्ही उशिरामध्ये ॲड असतील त्या थोडा कॉन्टेस्टमध्ये. थँक्यू. Hello everyone. First of all, congrats to Mr. Vijay and the entire team. And I would just like to add a few things, like beauty cannot be restricted. So as rightly said by our fellow colleagues, ki beauty ko restrict nahi kar rahe. Whoever is born beautiful should be appreciated, and we could enhance talent. Beauty with brains, to वैसे beauty with talent definitely. So big congrats for this concept, and we all are born with some beautiful features. There's beauty inside, there's beauty outside. My work is just to enhance it and bring it out so that we could all appreciate it on a bigger platform. And what I love about the concept is ki isko restrict nahi kiya gaya hai big cities. He's going into far away smaller towns or the remote areas, and everyone's welcome, and we are going to have fun, and we are going to groom them in a very holistic way. So congrats and looking forward. We have a grooming expert here who will be because of experience. So not only will the contestant be groomed in their looks and their appearance, they will also develop a complete personality, so that they will succeed later on in their professional as well as personal lives. It will be relationship, it will be their personal enhancement, their communication, all the etiquette that is required for a person. We will groom them completely. Thank you. So पहले ही पता है कि इस ये अलग इसलिए है कि इस शो में फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी स्किन शो नहीं है, कोई भी बिकनी राउंड नहीं है और स्विम सूट राउंड नहीं है, और हम जो भी कंटेस्टेंट हैं उनको खाली ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए ग्रूम नहीं कर रहे हैं, ये उनके फ्यूचर के लिए ग्रूम है. क्योंकि एक लेडी अगर घर पे ग्रूम होती है तो उसका पूरा परिवार उससे ग्रूम होता है. तो दैट्स अ बेस्ट पार्ट. आई थिंक निशा एंड शाकिब विल अग्री विद दिस. I would like to add to that, saying that मैं क्यों join हुई हूँ इसमें is because this is about woman empowerment. This is not only about beauty. Beauty lies in the eyes of the beholder. Everybody is beautiful, and there are beautiful people out here who are going to help them look beautiful and be beautiful. लेकिन there is also another thing which is about woman empowerment, जो इससे connected है.
प्लस दे आर गोइंग टू गो इन टू दी सिटीज़ ऑफ महाराष्ट्र द स्मॉलर टाउन्स जहाँ से लड़कियाँ जनरली आ नहीं सकती हैं, जहाँ से लड़के लोग भी नहीं आ सकते हैं. एंड मिसेस को तो भूल ही जाना है, वो तो अपने घर से ही बाहर नहीं निकल पाती हैं कई बार. तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग थिंग दैट शो स्टॉपर इज़ गोइंग टू हेल्प देम टू डू. विजय जी, आपसे जानना चाहूँगा ये आइडिया की शुरुआत कैसे हुई, कैसे आइडिया आया कि मतलब ऐसा कोई पेजेंट भी करना चाहिए, क्योंकि देयर आर सो मेनी पेजेंट्स और आपका ये पेजेंट मेट्रो सिटीज में बहुत से आम दिनों में, जैसे उन्होंने पूछा, आम दिनों में कॉन्टेक्ट होते रहते हैं. ये बेसिकली कॉन्टेस्ट है जैसे स्मॉल सिटीज़ में, जैसे महाराष्ट्र में मेट्रो सिटी है, उसके अलावा भी जो छोटे शहर है वहाँ जाके मैं ऑडिशन लेके, बिकॉज मुझे पता है 2009 में जब मैंने सेम किया था तब खाली ऑडिशन किया था, तो विनर्स मुंबई के नहीं थे, विनर्स तो नागपुर के थे और औरंगाबाद के थे. देर आर पीपल वेरी गुड टैलेंट एंड बिलीव मी दे आर सो ब्यूटिफुल कंटेस्टेंट. मुझे देख के लगा नहीं कि अगर इनको ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाए. बहुत कंटेस्टेंट है जिनको ये प्लेटफॉर्म मिलता नहीं, जो मुंबई में सब कुछ मिलता है ये वहाँ पर आपको मिलता नहीं है. होता है कॉन्टेक्ट वहाँ पर, लेकिन इसके बड़े स्केल में नहीं होता है, जहाँ पर आपको सभी सुविधा और सभी एक्सपर्ट्स लोग मिलते हैं. बिकॉज आप जानते हो बॉलीवुड है ग्लैमर का सेल्स कैपिटल, वेर हर चीज़ यहाँ पर आपको उपलब्ध है. जैसे आपने आपकी फिल्म के बारे में बताया, जो जीतेगी वो आपकी फिल्म में जो एक्ट भी करने वाली है, तो सर फिल्म के बारे में अगर थोड़ा सा हिंट देना चाहें. सर फिल्म के बारे में एक दो बात कहूँगा. ये फिल्म बेसिकली है ये फैशन इंडस्ट्री के ऊपर ही है, जिसमें आपको रियलिटी, जो फैशन इंडस्ट्री की रियलिटी है वो दिखाई जाएगी. इट्स अ वेरी ट्रू स्टोरी, जो ये एक्चुअल ट्रू स्टोरी के ऊपर ये मूवी है और फैशन रिलेटेड ही हुए. तो जो भी यहाँ इसमें कॉन्टेस्ट में होगा, जो विनर होगा, उनको मैं आई वॉन्ट दैट 7 रोल्स ऑफ द ये मूवी में, तो उसमें से मैं चुनूंगा और उस मूवी में उनको अभी गिवन रोल दिया जाएगा. एज लिमिट क्या है? एज लिमिट सर 15 साल से लेके 60 साल तक है. 15 से 25 30 तक मिस के लिए है और 18 से 60 मिसेस के लिए है. तो जिनमें एज कोई ये मायने नहीं रखता. ऑफकोर्स मिस के लिए बहुत मायने रखता है, कि मिसेस के लिए कोई एज साइज और वेट क्राइटेरिया नहीं है और दे कैन एनी मिसेस कैन टेक पार्ट. सिंह साहब आप कैसे तैयार करेंगे, जैसे बॉडी फिटनेस का है, आप क्या इसमें योगदान दे रहे हैं? क्या बीच में बीच में आपका एक नया ये भी खुला है, जिम खुला है, सेकंड जिम है, तो आप कैसे इसको तैयार करेंगे? सी वी आर द फिटनेस पार्टनर्स एंड विजय जी काफ़ी टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड वट एवर द कंटेस्टेंट्स आर देयर, सो वील मेक देम श्योर कि जो इनका क्राइटेरिया रहेगा उसमें उस सी इट्स इट्स ऑल अबाउट अ ढांचा, तो कैसे कैसे उस ढांचे को डाला जाए. सो वी विल ट्राई आर लेवल बेस्ट कि बेस्ट से बेस्ट उनको हेल्थ और अच्छी चीज़ प्रोवाइड करेंगे. हफ्ते में आके कोई फिट हो नहीं आता है, लेकिन कैसे फिट रहे लाइफ में वो बताएंगे. और जो विनर है उनको ये जब तक हमारा ग्रैंड फिनाले नहीं होगा तब तक ये उनको फिट करेंगे, उनसे एक्सरसाइज और सब डाइटिंग एंड एवरीथिंग करवा के उनको रेडी करेंगे. तो ये प्रोसेस अभी के लिए तो अवेयरनेस होगा और थोड़ा बहुत उनको प्रैक्टिस आना होगा, लेकिन अवेयरनेस विल बी गिवन बाय इस टीम. ओके, थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन. आज की वीडियो के बाद वेल, आई एम वेरी एक्साइटेड. मीडिया से रहा है. अरे कहीं ना कहीं नहीं, अभी भी मैं सबको जानती हूँ, पवन जी को जानती हूँ, राकेश जी को जानती हूँ, मोस्ट ऑफ द पीपल आई डोंट नो, आप लोग मुझे पहचानते नहीं वो बात अलग है अब तो. बट ठीक है, आई वुड लाइक टू रियली कॉन्ग्रेचुलेट विजय जी फॉर दिस. ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. यूजुअली क्या होता है, वुमेन को एक किक चाहिए रहती. सलमान जी ने कहा था ना एक किक चाहिए, तो किक मिल रही है यहाँ पे. और वेट की बात हो रही है, तो एक बार औरतों का वेट कम होना स्टार्ट हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली थ्रू आउट देयर लाइफ रहेगा ये प्रोसीजर. सो दैट इज़ अगेन अ गुड कॉज थिंग जी जी कर रहे हैं. सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड जितना हो सकेगा उतना मैं उनको हेल्प करूँगी मेरे एंड से. दैट्स इट. एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज. एंड वो मुझे मूवी में लेंगे वो उनके ऊपर है. मैं बोल देती हूँ, आप पूछोगे पवन जी मुझे पता है. अभी मैं सीरियल कर रही हूँ कहाँ हम कहाँ तुम, जहाँ पर मैं अमृता का कैरेक्टर कर रही हूँ. अगेन इट इज़ रिलेटेड टू आ शो ओनली. मैं एक फैशन ऑर्गेनाइजर हूँ वहाँ पे शो की, एंड मैं वॉक्स करा रही हूँ, ये सब करा रही हूँ. दैट इज़ द ट्रैक ऑफ द शो राइट नाउ. कैमरे के पीछे रहने, कैमरे के आगे आपको कैसा लगता है?
आएंगे आएंगे, सबका नंबर आएगा. ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट रहती है एंड वेरी हैप्पी. वो लेंस के उस तरफ था ना, तब लेंस के इस तरफ आके ज़रा एक्सपीरियंस ले रही हूँ, कैसा लग रहा है, कहाँ है, क्या. अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ, फिर थोड़े दिन के बाद पूछेगा ये क्वेश्चन आप मुझे. पवन जी प्लीज़. आप क्या कहना चाहेंगे, आपका परिचय. मेरा नाम सुमन चेलानी है एंड द टाइटल जो मैंने जीता है दैट इज़ मिस इंडिया इंटरकॉन्टिनेंटल 2018. ये टाइटल जीतने के बाद मैंने भारत को 91 कंट्रीज़ के बीच में रिप्रेजेंट किया था 2019 में इन द मंथ ऑफ जनवरी एट फिलीपींस. एंड भारत लौटने पे टॉप 15 फिनालिस्ट फाइनल्स में जो है हमारा इंडिया पहुंचा था एट 13th नंबर. द बेस्ट पार्ट अबाउट द ब्यूटी पेजेंट इज़ अपार्ट फ्रॉम इवन द प्लेटफॉर्म, आप एक साथ जो है आगे बढ़ते हैं. एक आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि जितने भी व्यूअर्स देखेंगे आपके ज़रिए हमें, जितने भी लोग हैं पार्टिसिपेट ज़रूर करें, बिकॉज यू नेवर नो. हमें ऐसा हमेशा लगता है कि शायद हमारे अंदर वो चीज़ नहीं है, बट जब आप स्टेज पर आते हो लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग, तो वो डेफिनेटली पार्टिसिपेट करें. एंड ऑल द बेस्ट टू विजय जी एंड देन टांटी. सो मेरा नाम कोमल किरण है, मिस इंडिया और मिस ब्यूटीफुल अर्थ गई हूँ मैं, और उसके बाद काफ़ी उसमें मॉडलिंग भी की है, ब्रांड एम्बेसडर हूँ, डिज़ाइनर की, टीवी शोज में मैंने रोल प्ले किए हैं कई. अभी विजय जी से मिली मैं थ्रू अ फ्रेंड, फ्रेंड्स फ्रेंड, दैट इज़ आवर मैटम. सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी इनके पेजेंट की कि हर जब सिटी में जा रहे हैं वहाँ के जो भी सेलेक्ट कर रहे हैं उनको भी विनर्स का ऑलरेडी स्टेटस है. सो आप एक बार उनको विनर्स की स्टैंप अगर लगाते हो ना, वैसे ही सब में कॉन्फिडेंस आ जाता है. उसके बाद जब वो यहाँ आएंगे अपनी सिटीज़ को रिप्रेजेंट करने, आई एम श्योर इट्स गोइंग टू अ वेरी गुड शो. सो ग्लैड टू बी एसोसिएटेड विद विजय जी, थैंक यू फॉर मेकिंग अ पार्ट ऑफ इट. हम पतले होते जा रहे हैं ना, इसीलिए. मुझे स्कूल चाहिए, मुझे आपकी जरूरत है, एक मिनट आपकी ये शाकिब को बुला ना, ले ले कैसे शाकिब, शाकिब भर गया पूरा हो गया. Shakir, can you please stand? Welcome. Yes. Ajay. In the center, Shakir. Shakir. Center, center. Center, center. Yeah. 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 Yeah